नमस्कार दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम मथुरा के स्पेशल पेड़े। पेड़े बनाने के लिए सामान चाहिए, हमने 250 ग्राम मावा लिया है, 100 ग्राम बूरा लिया है और 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है। गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब ये मावा हम भून लेंगे। इसको हमें लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने के कलर तक तो भूनते रहना है। गैस को बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। मावे को यहाँ भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अभी इसने अपना कलर चेंज, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसको अभी हमें और भूनना है। हमारा मावा भूनने की कंडीशन पे आ गया है, बस इसे एक दो मिनट और भूनेंगे। अब हमारा मावा भून के तैयार है, हम गैस ऑफ कर देंगे। इसे अभी भी लगातार चलाते ही रहेंगे क्योंकि जो कढ़ाई है हमारी वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे से मावा जल जाएगा। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे, इससे थोड़ा सा ये मॉइस्ट हो जाएगा और हमारे पेड़े थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। हम बूरा मिक्स कर देंगे। अब मावे के अंदर बूरा मिक्स कर लेंगे। पेड़े का मिक्सचर जो है वो अच्छा बाइंड हो रहा है। अब इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। इसके गोल गोल पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे पेड़े भी बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम अपने पिस्ता से डेकोरेट कर लेंगे इसे। थोड़ा इसके ऊपर इलायची पाउडर डालेंगे। हमारे मथुरा के स्पेशल पेड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये कान्हा जी के आप भोग में बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को करना है लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा करना है कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।